नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं ये जो है बार बार आने की प्रवृत्ति को लिए हुए हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इन सब प्रश्नों को ध्यान से देखें। चलिए, तो पहला प्रश्न है, रिया तथा टेथिस किसके नाम है? शनि व चांद। बी ऑप्शन है अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों के। सी है सचिन तेंदुलकर के पालतू जानवरों के। डी है यूनानी फिल्म एक्टरों के। कौन सा इसका आंसर होगा, आपको जवाब देना होगा। तो इसका सही जवाब है रिया और टेथी जो है ये शनि के उपग्रह हैं। किसके हैं? शनि के उपग्रह हैं। ठीक है, इसके कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62 है। ठीक है, शनि के कितने उपग्रह हैं? कुल 62 है। ये तो रिया और टेथिस तो यहां बता ही दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो विकल्प है शनि व चांद नहीं, शनि के चांद हो सकता है तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो विकल्प एक सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा शनि के चांद, शनि व चांद नहीं। ठीक है, तो और भी कुछ नाम बता देते हैं। मान लीजिए एग्जाम में अगर आता है तो आप याद रखिएगा, जो बार बार वो भी पूछा जाता है। एक होता है मीमांस, ठीक है, इनसेलेडस, डायोन, टाइटन, लेपिटस, ये सब भी जो है किसके हैं? शनि के ही जो है उपग्रह हैं। उपग्रह को चंद्रमा भी कहा जाता है ना, तो याद रखिएगा। तो रिया टेथिस किसके हैं? शनि के हैं। कुछ नाम और भी हमने बता दिया, ठीक है, मिसास, इनसेलेडस, डायोन, टाइटन, लेपिटस, ये सब भी किसके हैं? शनि के ही उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आपको ये जवाब देना, पहला अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर से। कहाँ से गुजरती है? आपको सही जवाब देना है। तो इसका फ्रेंड सही जवाब है प्रशांत महासागर से। कहाँ से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसी रेखा से पृथ्वी के जो दिन होते हैं इसका निर्धारण किया जाता है, डेट का निर्धारण किया जाता है। इसी रेखा को पूरब से पश्चिम की दिशा में पार करने पर दिन में एक दिन जोड़ दिया जाता है, तथा पश्चिम से अगर पूरब की दिशा में अगर कोई जाता है तो एक दिन कम कर दिया जाता है। ठीक है, यह रेखा स्थल पर कई जगह मुड़ी हुई है, इसके मोड़ भी हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसी है? सीधी है, ठीक है, चपटी हुई है, जगह पे मुड़ी हुई है। तो आप जब भी ऐसा विकल्प आएगा तो इसका भी आप उत्तर दे दीजिएगा। क्या है सब, ये जो रेखा है ये स्थल पड़ने पर कई जगह मुड़ी हुई है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझ में आ गया होगा। अगला, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है? तो फ्रांस और जर्मनी, फिनलैंड और रूस, यूएसए और कनाडा। डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका और केन्या। तो बड़ा ही आसान जवाब है, और लेकिन ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी, यूएसए और कनाडा। ठीक है, 49वीं जो रेखा है, अक्षांश रेखा है, वहां पे आप इसके आगे अगर पूरब की तरफ बढ़े तो ग्रेट लैक्स पाया जाता है, जो है महान झील, झीलों का एक समूह है। वहां पे 5 झीलें हैं, सुपीरियर जो झील है वो भी यहीं पे है। ठीक है, तो हम अपनी ज्योग्राफी वाले क्लास में जो क्लास स्टूडेंट होंगे उनको आसानी से पता होगा, हमने यहाँ पे बकायदे इसका वर्णन किया था। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? पहला ए है ज्वार, बी है बाजरा, सी है चना और डी है मक्का। कौन सा नहीं है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का खरीफ की फसल है, परंतु चना किसकी है? रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? जोरहट, तिनसुकिया, ईटानगर, डिब्रूगढ़। अब देखिए, थोड़ा सा आपको जो प्रसिद्ध शहर है उनको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका उत्तर दे पाएंगे। देखो, तिनसुकिया कहाँ पे पड़ता है? एक्चुअली ये सब लगातार न्यूज़पेपर में आते रहे हैं, ठीक है,
न्यूज़पेपर में जो आते हैं जगह, तो वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपने उसको लोकेट किया कि नहीं किया। ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जब भी कोई घटना घटित हो तो उसको उस स्थान पर मैप पे जाकर एक बार आप देखें। जैसे तिनसुकिया, तो तिनसुकिया असम का जिला है, ठीक है ना, और असम, ठीक है, और ये किधर है, बार बार नाम आ रहा है तो क्या है। तो अगर तिनसुकिया की बात किया जाए तो ये असम का सबसे पूर्वी जिला है, तो आपका तो आंसर मिल गया तिनसुकिया। लेकिन एक बात दिमाग में गूंजती है कि क्या अगर ऐसे कोई भी प्रश्न दे दिया जाए, कोई भी नगर दे दिया जाए, तो क्या आप पूर्व से पश्चिम लगा पाओगे? निश्चित तौर पे नहीं इसका जवाब होगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको ध्यान देना होगा कि जो भी न्यूज़पेपर में जो आते रहते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, फिर आपको आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तिनसुकिया हो जाएगा, उसके बाद अगर इसको लगाए तो डिब्रूगढ़, ठीक है, फिर जोरहट, फिर दीमापुर, ईटानगर, ठीक है ना। सब ईटानगर क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ही है ईटानगर, ठीक है। तो ये सब जगह आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगला है सलाल परियोजना, निम्नलिखित नदी पर है, किस पे है? चिनाब, बीरावी, सी सतलज, डी झेलम, कहाँ पे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सलाल जल विद्युत और सिंचाई परियोजना। कहाँ है सलाल? ये है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब जम्मू कश्मीर राज्य में है तो नदी कौन सी है, क्योंकि यहाँ विकल्प में तो नदी दिया गया है, तो हो जाएगा वो चिनाब नदी पर। कौन से नदी पे? चिनाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है, बुध, पृथ्वी, शुक्र या मंगल? तो ये जो जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, ये सौंदर्य का देवता है, और सब सौंदर्य का देवता कहा जाता है, और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसकी सतह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से इसकी औसत दूरी जो है 108.2 मिलियन है, तो याद रखिए 108.2 मिलियन इसकी जो है दूरी है। अब अगर नजदीक की बात की जाए तो बुध सबसे नजदीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चमक को लेकर के ये जो प्रश्न है वहां से पूछा गया है। तो सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह या अत्यधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर शुक्र हो जाएगा, क्लियर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून से कौन सा प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है पश्चिमी द्वीप समूह, सी है चीन सागर, और डी है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा इसका आंसर होगा, आपको जवाब देना होगा। तो इसका सही जवाब है सी, चीन सागर। क्या होगा इसका जवाब? चीन सागर हो जाएगा। टाइफून नामक चक्रवात अपनी उग्रता और विनाश के लिए जाना जाता है, बहुत ज्यादा विध्वंसकारी होता है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो एरिया है कैसा है, उष्णकटिबंध का है, तो उष्णकटिबंधीय एरिया है। चीन का जो पूर्वी तट है ताइवान, जापान का दक्षिणी भाग, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इन चक्रवातों को उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, फ्लोरिडा में हरिकेन कहते हैं। कहाँ पे हरिकेन कहा जाता है चक्रवातों को? अमेरिका, मैक्सिको और फ्लोरिडा में। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं। चीन और जापान में इसे क्या कहते हैं? ताइफून कहते हैं। क्लियर हो गया। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है हरिकेन कहाँ कहा जाता था, हरिकेन अमेरिका और जो है मैक्सिको, फ्लोरिडा, इन सब जगहों पे, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बताया ही, और चीन और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? ताइफून कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्नलिखित में सहायता करती है, किसकी सहायता करती है? मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण क्या करती है? मरुस्थलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, या मैदानों में? कौन से एरिया में करती है, आपको जवाब देना होगा। तो इसका सही जवाब है पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए वेदिकाकरण का उपयोग किया जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र क्षेत्र है उन मृदा संरक्षण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वेदिकाकरण। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो जो विकल्प दिए गए उसमें चुनना है, बॉक्साइट, मैग्नीज, अब्रक, सल्फर, किसका सबसे ज्यादा करता है, तो आपको उसको समझना होगा, ठीक है। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के अगर अनुसार देखा जाए तो इसमें जो गंधक है सल्फर, इसका सबसे ज्यादा आयात करता है भारत, क्लियर। आगे, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में है?
कहाँ पे खाद सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, जहां पे हरित क्रांति आई होगी और क्षेत्रफल भी थोड़ा ज्यादा हो, तो कौन सा होगा? विकल्प में है केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, अब अगर ऐसे देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि सबसे ज्यादा खाद खपत कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश में होगी, किंतु विकल्प में उत्तर प्रदेश नहीं है, तो उसके बाद अब प्रभावित एरिया क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंजाब होगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोयना परियोजना, ये कोयना बांध जो है, ये किससे संबंधित है? तो आपको ये जवाब देना है। तो इसका पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है बिहार। तो आपको सही जवाब देना है इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है वो क्या है, आप सोचिए, महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा, 12 का सी, 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कोयना बांध कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयना बांध ये जो किस नदी पे है? तो कोयना नदी पे ही अवस्थित है। ठीक है ना, पश्चिमी महाराष्ट्र को ये मेनली जो है जो विद्युत वगैरह है उसको सप्लाई करता है, तो एक प्रकार का विद्युत बांध है। अगला, वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से, प्रक्षेपास से, क्लाउड सीडिंग से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना होगा। तो ए बी सी डी कौन सा होगा इसका ऑप्शन? तो बिल्कुल सही, क्लाउड सीडिंग इसका आंसर है। वरुणा परियोजना जो है वो क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। इससे क्या होता है, कर्नाटक राज्य ने एक अमेरिकी कंपनी की सहायता से वर्षा की कमी वाले क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा करवाई है, क्लाउड सीडिंग, उसको कहा गया जो है वरुणा परियोजना। ठीक है ना, क्या है? क्लाउड सीडिंग। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये भी पूछा जाता है क्लाउड सीडिंग है क्या या वरुणा परियोजना किसके लिए करवाई गई थी, तो कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या डी है काली मिट्टी। तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? आप सबको पता है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, इसमें पोटास, फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ, ये सब खूब पाया जाता है, तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें सिर्फ कमी होती है। ठीक है, और इसमें ह्यूमस तत्व भी बहुत विद्यमान होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी चीज़ें लगभग लगभग उगाई जाती है, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, सब्जियां, सब इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा जो है लाई गई मिट्टी से बनती है। निम्नलिखित में से लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उपर्युक्त सभी, कहाँ पाई जाती है लैटराइट मिट्टी? ठीक है, तो इसका जवाब देना है, तो लैटराइट मिट्टी का मुख्य जो क्षेत्र है वो केरल है, जहाँ मालाबार, जहाँ पे खूब वर्षा हो, तेजी के साथ वर्षा हो, तो वर्षा सबसे ज़्यादा सबसे पहले कहाँ होती है? केरल में, केरल के मालाबार तट पे टकराती है, वहाँ पे होता है। कर्नाटक के पहाड़ी, मध्य प्रदेश थोड़ा सा, और उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे भी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया होता तो आपका आंसर क्या होता? केरल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा गया है, तो कहाँ कहाँ पाए जाते? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बेहद महत्वपूर्ण तो प्रश्न है, कभी कभार पूछता है, ये बहुत ज़्यादा बार तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी चलिए, आसान सा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी तो आप सबको पता होगा, रायपुर है। थोड़ा सा घुमाने के लिए रायगढ़ भी दिया गया है, बिलासपुर वही बगल में है। ठीक है, तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, रायपुर। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी क्या है? ये भी आसान सा प्रश्न है, ईटानगर, आइजोल, अगरतला, कोहिमा, कौन सा जवाब होगा? तो आपको पता है त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आइजोल है, सॉरी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी तो बताया रायपुर, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। अगला, काकड़ापार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? तो काकड़ापार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी
या कृष्णा घाटी, कौन सा इसका आंसर होगा आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती घाटी, ए विकल्प होगा ताप्ती घाटी। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? पहला है ओब नदी का मुहाना, बी गंगा नदी का मुहाना, सी अमेजन नदी का मुहाना, डी नील नदी का मुहाना, कौन सा है? इसका सही जवाब देना, तो इसका सही जवाब होगा बी गंगा नदी का मुहाना। क्लियर, सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो वो है गंगा नदी का मुहाना है। विश्व में सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा गंगा नदी का है, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बांग्लादेश में काफी क्षेत्र में स्थित है। 350 किलोमीटर चौड़ा यह डेल्टा है, ठीक है ना। कितना है मुख्यतः, कहाँ है? बांग्लादेश में है, 350 किलोमीटर है, ठीक है। बांग्लादेश में से ग्रीन डेल्टा भी बोला जाता है, ठीक है, और सामान्य रूप से इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का भी डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। अगला, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यांगटी सिक्यांग, हांग हो, डी ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी जो है सबसे लंबी नदी है एशिया की? तो आपको जवाब देना है, तो इसका सही जवाब होगा यांगटी सिक्यांग नदी, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग है, इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है, ठीक है। यह पश्चिमी चीन के कुनलुशान पर्वत से निकलती है, कुनलुशान पर्वत है वहां से निकलती है तथा पीला सागर में जाकर अपना जल गिराती है। तो यांगटी सिक्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारते हैं? पहला है सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा मोहो, चौथा है डी नीफे। आसान सा प्रश्न है ये भी, इसका जवाब हो जाएगा सियाल। भूपृष्ठी को क्या कहते हैं? सियाल। इसमें दो तीन प्रश्न काफी इजी पूछे गए, जिससे राजधानी जो पूछा गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो, फिर आपसे जो है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पूछा गया, तो ये सब जितने भी प्रश्न हैं सब बेहद आसान किस्म के प्रश्न हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न कुछ एग्जाम में पड़े होते हैं, अगर आप ध्यान ना दिए, गलती से इधर उधर हो गया थोड़ा सा, तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। कोलोसियम, कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो कहाँ अवस्थित है? पहला रोम में, लंदन में, पेरिस में, या डी एथेंस में, कोलोसियम कहाँ है? आपको जवाब देना होगा, इसका सही जवाब है रोम में। कहाँ है ये कोलोसियम? कहाँ है? रोम में है कोलोसियम, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा, ये इटली के न, जो ये आपको बता दें कि इटली में ही एक जगह है जो है सबसे छोटी सिटी, विश्व की सबसे छोटा शहर, छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है ना, वो भी इटली में ही बसा हुआ है। रोम ये जो शहर है, शहर के बीच में एक देश बसा हुआ जिसे वेटिकन सिटी कहते हैं, तो याद रखिएगा, हमने अपनी ज्योग्राफी वाली क्लास में आप सबको बताया भी है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? चूड़ी उद्योग आगरा, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ ये भी प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में है चूड़ी उद्योग, ठीक है, इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। अगला, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, क्या इसका आंसर होगा? आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सबसे ज्यादा आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, यह भी आसान प्रश्न है, आप सबको पता होगा, इसका विकल्प हो जाएगा ए पश्चिम से पूरब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ढेर सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।